हर साल बढ़ते तापमान के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इस साल अब तक 46 बार जंगलों में आग लग चुकी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पहली घटना की सूचना के बाद से जंगल की आग ने 51.34 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में आग लगने की 21 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि गढ़वाल और आरक्षित वन क्षेत्रों में क्रमशः 16 और 9 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आग से घिरे वनस्पतियों और जीवों के बारे में बताते हुए कई निवासियों ने #PrayForUttarakhand के साथ वाइल्ड फायर के वीडियो और फोटो ट्वीट किए हैं, जो जल्दी ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। पूर्वी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने लिखा, इन खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों और वन्य जीवों को जलता देख दुखी हूं, जो बीते 4 दिनों से इसका शिकार हैं। सरकार को नियंत्रण और राहत प्रदान करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं और ना ही इस प्राकृतिक घटना की तुलना ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर घटना से करें। रणदीप हुड्डा ने कहा कि जंगल की आग एक प्राकृतिक घटना है जो जंगल का कायाकल्प करती है और वो हर साल होती है। मेरी रिसर्च के अनुसार इस साल उत्तराखंड में अब तक जंगल की आग अपेक्षाकृत कम रही है, उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया और अमेजोन से ना करें, आतंक ना फैलाएं।